सिवान के अधिवक्ता खुर्शीद अंसारी के मौत की खबर पर ग्रामीण ने भीषण सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन हाय हाय और न्याय दो के नारेबाजी कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना था कि 27 जनवरी को पंचरुखी पुलिस बयान लेने पटना गई थी, उसके बाद कान में तेल डालकर थाने पर सो गई। उद्भेदन की जगह पंचरुखी पुलिस सोई रही। घटना के 17 दिन बाद बीत गए, लेकिन पंचरुखी पुलिस उद्भेदन की बात दूर रही, किसी अपराधी को चिन्हित तक नहीं कर पाई। आक्रोशित लोगों ने एसडीओ रोचना माद्री, एसडीपीओ राकेश रंजन, डीसीएलआर राम रंजन कुमार और महाराजगंज थानाध्यक्ष के समक्ष पंचरुखी पुलिस की शिथिलता की पोल खोल दी है। अनुमंडल प्रशासन, जिला प्रशासन व पंचरुखी थानाध्यक्ष से बात की। स्थानीय प्रशासन ने हर संभव मामले के उद्भेदन व अपराधियों के अविलंब गिरफ्तारी करने का आश्वासन परिजन व ग्रामीणों को दिया है। तब जाकर जाम हटा और ग्रामीण अजय कुमार व राजद प्रखंड अध्यक्ष आनंद के साथ सैकड़ों ग्रामीणों के न्याय की मांग प्रशासन से कर रही है। सड़क जाम करके धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा था? 27 तारीख को मेरे भाई को गोली लगी थी जी, आज उनका देहांत हो गया जी। अभी तक कितना दिन हो गया उनका हत्या का? 18 दिन हो गया। अभी तक किसी की गिरफ्तारी किया गया? प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से मांग रहे हैं कि जो अपराधी है उसको जल्दी पकड़ा जाए। अच्छा, डीएसपी साहब, एसडीएम मैडम आई थी, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया है कि हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। अच्छा, क्या आशा है कि धरना प्रदर्शन को हुआ था तो आश्वासन दिया गया और गिरफ्तारी किया जाएगा? जी, आश्वासन तो उन्होंने तय कर गए हैं, लेकिन हमको पुलिस की सुस्ती के वजह से बहुत मतलब मन जो है विचलित रह रहा है। आज 18 दिन हो गया, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। वरीय अधिकारी से क्या मांग करना चाहेंगे? वरीय अधिकारी से मांग यही करना चाहेंगे, जो अपराधी है उसको तुरंत पकड़ा जाए।